नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI CSP में खुलने वाले स्टैंड अकाउंट के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर का जब हम अकाउंट ओपन करते हैं आधार और पैन कार्ड के साथ स्टैंड अकाउंट ओपन करते हैं तो एक इरर आता है, आधार और पैन आपस में लिंक नहीं है, जिनका कि अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है। ये उन कस्टमरों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है जो कि अपना पैन कार्ड बनवाए हैं, यानी कि पैन कार्ड बनवाते समय जो कस्टमर आधार कार्ड नहीं दिए हैं, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट का यूज़ नहीं किए हैं, उनका आधार और पैन आपस में लिंक नहीं है, जिनका कि हम अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि यूँ कहे तो जो ओल्ड यानी कि जो बहुत पहले जो है आधार कार्ड बनवाने से पहले जो अपना जो है पैन कार्ड बनवा चुके हैं उनका आपस में आधार और पैन लिंक नहीं है। तो ऐसे कस्टमर हमारे पास बहुत आ रहे हैं जिनका कि ये इरर आ रहा है। तो वैसे कस्टमर का हम क्या करें? अभी क्या है कि जो है आधार को और पैन कार्ड लिंक कराने के लिए गवर्नमेंट जो है चार्ज ले रही है, तो इसमें क्या है कस्टमर भी लिंक नहीं कराना चाहता है और जो है अपना चार्ज नहीं देना चाहता है, क्योंकि अभी जो है उसका डेडलाइन जो है ख़त्म हो चुका है पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक करने का। और अब जो है कोई भी अगर आधार और पैन आपस में लिंक कराएगा तो उसके लिए गवर्नमेंट को चार्ज पे करना पड़ रहा है, इसलिए कोई भी लिंक नहीं कराना चाहता है। तो वैसे कस्टमर का हम क्या करें? तो वैसे कस्टमर का जनरली हमें क्या है कि उसका EKYC नंबर से अकाउंट को खोल देना है विदाउट पैन का, और अकाउंट खोलने के बाद उनको एक जो है हमें स्लिप दे देना है जिससे कि उनको वेट करने के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है कस्टमर कैप्चरिंग का दौर चल रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि जनधन में इतने अकाउंट खुल गए हैं, उसके बाद जो है स्कॉलरशिप वगैरह के लिए जो बच्चों का अकाउंट ऑलरेडी इतना ओपन हो चुका है कि बहुत कम जो लोग हैं जो है अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। एक एक ऐसे पर्सन है जो कि एक एक दो दो बैंक में जो है अपना अकाउंट रखे हुए हैं, तो कोई भी आज के डेट में उतना कस्टमर बेस नहीं है कि हम अकाउंट ओपन कर पाएँ। तो ऐसे दौर में अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आता है जिनका आधार और पैन लिंक नहीं है, इंस्टेंट अकाउंट हम नहीं खोल पा रहे हैं, तो उसका जो है आप नॉर्मल अकाउंट जरूर खोलें और उस कस्टमर को अपने यहाँ जो है डाइवर्ट करें, क्योंकि आने वाले दिनों में और जो भी कस्टमर है अकाउंट जो भी खुल जाएगा उसके बाद बहुत हमें कम जो है अकाउंट ओपनिंग मिलने वाला है, जिससे जो है कि हमारे पास अगर अकाउंट नहीं होंगे तो हमारा एवरेज बैलेंस ट्रांजैक्शन नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अभी जो दौर चल रहा है कस्टमर कैप्चरिंग का चल रहा है, क्योंकि जितने भी अभी बैंक अभी पहले क्या था कि अभी कुछ गिने चुने बैंक जो थे वो CSP जो है फील्ड में सक्रिय थे, लेकिन आज के डेट में सभी बैंक सक्रिय हो गए हैं, सभी बैंक जो है CSP जो है सक्रिय हो गए अपने अपने फील्ड में। तो इस तरह से अभी कस्टमर कैप्चरिंग का दौर चल रहा है, सभी जो है अकाउंट अपने यहाँ खोलना चाहते हैं, अपना जो है बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे दौर में अगर आप किसी भी कस्टमर का अगर पैन और आधार लिंक नहीं, इसके वजह से अगर आप अकाउंट नहीं खोले तो एक कस्टमर हमारे यहाँ से चला जाएगा, बल्कि दूसरे बैंक में जाके वो अपना अकाउंट ओपन करा लेगा। तो ऐसे में क्या करें कि उसका अकाउंट मस्ट भी ओपन करें कस्टमर इनरोलमेंट से जा करके, और जाके उसका नॉर्मल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, वो भी मेकर चेकर हो जा रहा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते उसका जो है EKYC आप प्रिंट करना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि SBI CSP से रिलेटिव एंड CSE से रिलेटिव कोई भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।